देश की राजधानी दिल्ली की नई सड़क स्थित एक कपड़ों की दुकान में उस समय हड़कंप मच गया जब किसी ने दिल्ली पुलिस को कॉल करके इस बात की सूचना दी कि इस दुकान के अंदर बम है। आपको बता दें कि इस खबर के आते ही पूरे इलाके में दहशत फैल गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर बम स्क्वाड फायर और पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे तो जांच में पाया गया कि किसी ने फर्जी कॉल की थी। जी हां, दिल्ली पुलिस के मुताबिक किसी ने फर्जी कॉल की थी कि एक दुकान के अंदर बम है, जिसके बाद पूरी मार्केट को बंद कर दिया गया। डेढ़ घंटे तक सर्च करने के बाद पुलिस और बम स्क्वाड फायर के हाथ कुछ नहीं लगा। फिलहाल दिल्ली पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि किस शख्स ने PCR को कॉल की थी और उसका मकसद क्या था। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से राजधानी की जनता फर्जी कॉल की शिकार हुई हो। अभी हाल ही में दिल्ली के कनॉट प्लेस में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक मोबाइल स्टोर में घुसकर एक शख्स ने उसके पास बम होने की बात कही थी। स्टोर से तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने थ्रेट और त्योहारों के मौसम को देखते हुए बम डिस्पोजल स्क्वाड और कमांडो को मौके पर भेजा, जिसके बाद कमांडो ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया। न्यूज रूम से पायल गुडियाल की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।